अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस यार, मुंबई में 2 दिनों से बारिश बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ब्लॉग शूट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं आज 3 दिन बाद निकला हूँ गाड़ी लेके ब्लॉग शूट करने के लिए। थोड़ा काम भी था मुझे, मतलब काम भी हो जाएगा, ब्लॉग भी शूट हो जाएगा। तो कैसे हो आप सभी? जो भी गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से यार, छोटे भाई का चैनल है, सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक कर दो वीडियो को। ऐसे ही डेली न्यू कंटेंट पे वीडियो आते रहेगी आप लोगों के लिए। एंजॉय द वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल यार। आज गाइस अपने चैनल का ब्रांड भी यहाँ छुप चुके, अपने गाड़ी पे अभी दिखाता हूँ मैं आपको। काफ़ी दिनों से सोच रहा था करने का बट टाइम ही नहीं मिल रहा था यार। सबसे फाइनली आज जाके ये भी काम अपना हो चुका है और ब्लॉग भी आज आ जाएगा एक न्यू। दो दिनों से गाइस बहुत ही ज़्यादा बारिश थी, बहुत ही ज़्यादा, पूरा रोड गीला था, एकदम पानी भरा हुआ था, यहाँ वहाँ पे सब जगह पे पानी भरा हुआ था। तो फाइनली पूरा सूख चुका है। यहाँ पे गाइस थोड़ा काम है, तो गाइस वहाँ से अभी हम निकल चुके हैं। क्या है गाइस, मुझे थोड़ा बैंक में काम था बट बैंक का सर्वर का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मुझे बाद में फिर आना पड़ेगा। जब तक एक काम और है हमें यहाँ पे वालियो में, वहाँ का भी काम कर लेते जब आए तो। ये तो काम हुआ नहीं, यही काम कर लेते हैं। हॉर्नेट 2.0 वर्सेस पल्सर 220F ड्रैग रेस की वीडियो भी जल्द से जल्द आने वाली है अपने चैनल पे। क्या लगता है गाइस आपको, ड्रैग रेस में कौन सी गाड़ी जीतेगी, पल्सर 220 या हॉर्नेट 2.0? ये भी गाइस 200 सीसी के सेगमेंट में आ जाती है गाड़ी,
काफ़ी पावरफुल है, बट पल्सर 220 तो पल्सर तो पल्सर ही है गाइस। फिर भी देखते हैं, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है गाइस हॉर्नेट 2.0 ही विनर रहेगी, बट देखते हैं फिर भी करके, बहुत पावर। सो गाइस यहाँ पे कुछ काम है मेरे को, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलता हूँ आप। देखेंगे ड्रैग रेस में क्या होता है। एक मेरा फ्रेंड है, उसका भी रिव्यू करवाऊंगा मैं आपको, उसका भी यूट्यूब चैनल है, वो आने वाला है अपने पास मिलने के लिए। तो 220 है उसके पास में, तो ड्रैग रेस करेंगे अपन और देखते हैं कौन विनर होता है। मेरा मीटर का प्रॉब्लम था यार, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, सेंसर आया नहीं अभी तक। मैंने कल कॉल किया था उनको, तो वो बोले अभी तो नहीं आया है, टाइम जाएगा। मैं आपको पहले ही बोला था गाइस, वो बोलेंगे 3 दिन और जाएगा भी। इसका सर्विसिंग तो बेटर है, बट कोई पार्ट अगर प्रॉब्लम कर जाता है तो गाइस VS6 का तो बहुत टाइम चला जाता। मेरे डीओ में भी प्रॉब्लम था किसी सेंसर का, तो उसके लिए मुझे 3 मंथ वेट करना पड़ा था, उसके बाद जाके मेरा पार्ट आया था। वो भी कई बार कंप्लेन करने के बाद, झगड़ा करने के बाद तो पार्ट आया था गाइस। अब देखते हैं इसका क्या होता है 2.0 का। स्पीड का तो गाइस कुछ अता पता नहीं है अपनी गाड़ी में, कितनी की स्पीड चल रही है कितनी की नहीं। स्पीड दिखे या ना दिखे गाइस, पावर तो बहुत है गाड़ी में। कंट्रोल तो गाइस 220 से बहुत बेटर है हॉर्नेट 2.0 का। यहाँ पे गाइस कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं, 500 रुपये के 2 जीन्स मिलती है गाइस। किसी को चाहिए रहेगा तो आके लेके जाओ, अच्छा है। ब्रांड न्यू रहता है गाइस तो जीन्स, बट कहीं कहीं पे डैमेज रहता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए शोरूम से निकल जाता है वो सारे जीन्स से वो, बट सही है फिर भी। 500 में 2 मिल रहे हैं, और क्या चाहिए यार। का ऑल ऑल रूल लुक दिखा देता हूँ मैं आपको। वैसे तो हालत बहुत गंदी हुई है गाड़ी की, 2 दिन से बारिश थी और कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। प्रॉब्लम है गाइस, ये सेंसर का आया है मेरी गाड़ी में, वो भी मीटर का है गाइस। बारिश चालू हो गई है बहुत जोरों से लगता है। वो बारिश आ गई गाइस, तो गाइस वीडियो को यहीं ऐड करते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में एक न्यू कंटेंट के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।